छत्तीसगढ़ में बहुत सारी भाजियाँ बनाई जाती हैं, उन्हीं में से एक है प्याज भाजी, मतलब कि हरा जो प्याज होता है वो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ प्याज भाजी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे स्प्रिंग अनियन भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने प्याज लिया है और ये आधा किलो है हरा प्याज, इसका मैंने सिर अलग कर दिया है और यह जो सूखे पत्ते हैं उसे हम निकाल देंगे। अगर प्याज बड़ा होगा तो हम पूरा प्याज अलग कर लेंगे और सिर्फ पत्तों को ही कट करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने भाजी लिया है उसमें जो प्याज है वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो हम इसमें सारा ही यूज़ कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारा प्याज साफ़ कर लिया है और इसे कट कर लिया है। इसे बहुत बारीक नहीं करेंगे, बस इसे मीडियम साइज़ में कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चना दाल पहले ही भिगा करके रख दिया था, भीगे हुए चना दाल को हम कुकर में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच चना दाल लिया था भिगा के, और इसमें अब मैं प्याज भाजी डाल दूँगी। इसे आप कढ़ाई में भी पका सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में बनाने में इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो हम इसे प्रेशर कुक ही करेंगे। 2 मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे चना दाल अच्छी तरह से पक जाए। हल्दी डाल दिया मैंने 1/2 टीस्पून, और स्वाद के हिसाब से नमक। 1 चुटकी हींग डाल के मैंने यहाँ पे कुकर को बंद कर दिया है, और इसे हम 2 सीटी आने तक पका लेंगे। 2 सीटी हो गया है, अब कुकर को ठंडा होने देंगे। यहाँ पे आप देखिए, मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल गर्म करने को रखा था। इसमें अब मैं बारीक कटा हुआ 5 से 6 लहसुन डाल रही हूँ, और 3 से 4 लाल मिर्च सूखा हुआ डाल रही हूँ। आप अगर चाहें तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मिर्च और लहसुन अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें सब्जी डाल देंगे, और सब्जी डाल के तुरंत बंद कर दें क्योंकि तेल ऊपर आ जाएगा, तो इसे सावधानी से करना है। उसके बाद हम इसमें सारी सब्जियों को डाल देंगे और इसका पानी सूखते तक हम इसे पका लेंगे। ये सब्जी बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। इसे आप रोटी, चावल, दलिया के साथ खा सकते हैं। गर्मियों में भी ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप मेरे चैनल पर कोई भी और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको मेरी और भी रेसिपीज़ आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर ज़रूर चेक करें। आप मुझे इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।